हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम नंबर मैजिक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 6 रत्नासागर पब्लिकेशन चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और उनका आंसर देखेंगे। 14A में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, ड्रॉ अ सर्कल हुज रेडियस इज। अब यहाँ पे हमको सर्कल दिया हुआ था और रेडियस दी हुई थी और सर्कल ड्रॉ करना था। फर्स्ट की रेडियस थी 3.5 सेंटीमीटर। स्केल से हम इसको मेजरमेंट करेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। सेकंड 4.1, इसको भी मेजर कर लेंगे। 51 mm। अब यहाँ पे 51 mm एक छोटा सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस कितनी लिखेंगे हम सेंटर से 51 mm। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ था, ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल कल्स ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर, मार्क द फॉलोइंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करना था, एक ही सेंटर लेना था और टू डिफरेंट टाइप की रेडियस लेके इसमें सर्कल ड्रॉ करना था। पहला 3.6 सेंटीमीटर का, दूसरा 4.2 सेंटीमीटर का। तो हमने यहाँ पे कंसेंट्रेट लिया, एक ही सेंटर से ये दो सर्कल ड्रॉ किए। फिर फर्स्ट दिया था पॉइंट ए ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 3.6। पॉइंट ए क्या है, 3.6 सर्कल की रेडियस है उस पर है। सेकंड पॉइंट भी सर्कल ऑफ रेडियस 4.2, बी किस पर है 4.2 सेंटीमीटर सर्कल पर। पॉइंट सी इन द एक्सटीरियर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, सी किसका है एक्सटीरियर है स्मॉलर एंड इंटीरियर है लार्जर। तो एक्सटीरियर मतलब क्या होता है कि जो कि सर्कल के बाहर हो, तो ये स्मॉलर के बाहर है सी हमारा, और इंटीरियर है लार्जर सर्कल के, तो लार्जर सर्कल के हमारा अंदर है। फिर पॉइंट डी इन द इंटीरियर ऑफ बोथ द स्मॉलर एंड द लार्जर। अब डी क्या है, बोथ द लार्जर एंड स्मॉलर के इंटीरियर है। इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि डी आप यहाँ ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, लेकिन दोनों सर्कल के अंदर कहीं भी आप डी को ले सकते हो। फिर पॉइंट ई इन द एक्सटीरियर ऑफ बोथ द स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल। अब यहाँ पे ई क्या है, लार्जर और स्मॉलर के एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हो, आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन दोनों सर्कल के बाहर होना चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, ड्रॉ अ सर्कल हुज सेंटर ओ एंड एनी कन्वेंशन रेडियस लेट द सर्कल बी C1। कोई एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी आप कोई भी रेडियस ले सकते हैं, उसको C1 लेंगे। टेक टू पॉइंट ए ऑन सर्कल C1 एंड जॉइंट OA। एक कोई पॉइंट ए लेंगे, उसको C1 से जॉइंट करेंगे। नाउ टेक एनी पॉइंट बी ऑन OA। अब OA पे क्या ले रहे हैं, कोई एक पॉइंट ले रहे हैं। OA क्या है हमारी, एक रेडियस है, यहाँ पर रेडियस है ये हमारी, और यहाँ पे क्या है ये बी। इसमें हमने एक पॉइंट लिया कोई भी मिडिल पे। फिर विथ सेंटर ए एंड रेडियस AB। अब यहाँ पे क्या करना है, सेंटर हमको ए लेना है, ए सेंटर लेंगे और ए बी क्या लेंगे रेडियस, और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम। फिर कॉल C2। तो ये कौन सा सर्कल आया हमारा C2, ये कौन सा था C1। लेट सी एंड डी बी द पॉइंटेड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द टू सर्कल C1 एंड C2। अब यहाँ पर हमारा जो दोनों सर्कल को जो पॉइंट कट कर रहा है वो कौन कौन से ले रहे हैं हम, यहाँ पे डी और यहाँ पर हमारा सी। अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, 3 पॉइंट ऑन सर्कल C1। अब यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट सर्कल C1 पे देख रहे हैं आपको, यस डी ए और सी, ये 3 पॉइंट कहाँ हैं, सर्कल C1 पर हैं। 3 पॉइंट ऑन सर्कल C2, C2 पे 3 पॉइंट देख रहे हैं आपको, देखिए कौन कौन से देख रहे हैं, सी बी और डी, ये किस पर देख रहे हैं C2 पर। अब ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल C1 एंड ऑन सर्कल C2। अब यहाँ पे बताना है कि ए जो है वो इंटीरियर है C1 के और सी ऑन सर्कल C2। क्या ये आपको C2 पर दिख रहा है और इंटीरियर दिख रहा है, ये हमारा किस पर है सर्कल पर है। तो ये पॉइंट द इंटीरियर ऑफ C1 एंड सर्कल C2 बी, बी का क्या है सी। ए पॉइंट लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल C2। ए पॉइंट को क्या करना है, लाइन करना है, तो ए पॉइंट को B2 पर C2 पे लाइन करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा ए पॉइंट क्या है इंटीरियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए एंड बी द सेंटर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे क्या करना है, ए और बी को सेंटर लेना है सर्कल का। ये हमने ए और बी को सेंटर लिया सर्कल का। इक्वल रेडियस दोनों के हैं, इक्वल रेडियस के हैं, ड्रॉ ऑफ देम। अब यहाँ पे देखिए, ए और बी सर्कल लिया, सबसे पहले हम ए और बी की रेडियस क्या लिए, 2.5। ये हमारी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। ए पे रखा हमने, ए से फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया, बी पे रखा, बी से सेकंड सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ द सो दैट ईच ऑफ देम थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर प्रोड्यूस ए बी ऑन आइदर साइड सो एज टू मीट द सर्कल विथ सेंटर ए एंड सेंटर बी एट पॉइंट सी एंड डी। अब यहाँ तो ये तो हमारा क्या हुआ, रेडियस है, इसको हमने आगे बढ़ाया दोनों रेडियस को जो कि सर्कल पे जाके टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, सी पॉइंट और यहाँ पर डी पॉइंट। अब क्या बोला गया, मेजरमेंट लेना है। अब रूलर लेंगे आप, स्केल, और स्केल से इन सभी को मेज़र कर लेंगे आप। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन और उनके आंसर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.9 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। एक रूलर लेके ए पॉइंट बी पॉइंट लेंगे और एक 6.9 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेगमेंट। सेकंड दिया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.8 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। अब यहाँ पे कंपास और रूलर से हमको बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले कोई पॉइंट ए ले लेंगे और एक कोई लाइन खींच लेंगे। ये आपने एक एक लाइन खींची। अब यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे और कंपास से उस लाइन का मेजरमेंट लेके एक कट कर देंगे। जहाँ पे क्या करेंगे, ए पॉइंट पे रखेंगे नेडल को और एक कट कर देंगे। तो कहाँ पे कट होगा, 5.8 यहाँ पर आपका। तो ये आपका लाइन सेगमेंट बन जाएगा। थर्ड दिया था, कंस्ट्रक्ट ए बी 6.7 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कट ऑफ ए सी 3.5 सेंटीमीटर मेजर बी सी। अब यहाँ पे ए बी हमको 6.7 सेंटीमीटर का बनाना था, तो हमने ये टोटल एक 6.7 सेंटीमीटर का बनाया ए बी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ए सी 3.5 सेंटीमीटर। अब ए से सी, तो रूलर से सबसे पहले स्केल से हम मेज़रमेंट लेंगे 3.5, ए पर नेडल रखेंगे और एक कट करेंगे, तो ये कितना कटेगा, 3.5 सेंटीमीटर। बचा हुआ भाग सी और बी का, यहाँ से इतना पार्ट आप स्केल से मेज़र कर सकते हो, तो ये कितना आएगा, 3.2 सेंटीमीटर। फोर्थ दिया था, गिव पी क्यू ऑफ लेंथ 3.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ए बी सच दैट ए बी इज ट्वाइस दैट ऑफ पी क्यू, वेरीफाई मेजरमेंट। अब यहाँ पे क्या करना था, पी क्यू की लेंथ हमको क्या लेनी है, 3.1 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लेंथ हमने 3.1 सेंटीमीटर ली। अब ए बी क्या है, ये ट्वाइस है पी क्यू का, तो ए बी क्या, ट्वाइस पी क्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ए बी ट्वाइस मतलब डबल 6.2 सेंटीमीटर का इसको हमने बनाया। अब यहाँ पे मेजरमेंट देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, ट्वाइस है यहाँ पे। यहाँ का मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, 3.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, ए बी 5.1 सेंटीमीटर एंड सी डी ऑफ लेंथ 2.9 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट। अब ए बी की लेंथ दी हुई थी और अदर क्वेश्चन हमको दिए हुए थे। पी क्यू क्या बोला है, सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी, वेरीफाई द मेजरमेंट। जो हमारी पी क्यू की लेंथ है वो ए बी और सी डी की लेंथ से मिलकर बनी हुई है, दोनों का इक्वल। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी बनाएंगे 5.1, सी डी 2.9। अब पी क्यू देखेंगे तो पी क्यू हमारा क्या आएगा, दोनों का एडिशन मतलब 8 सेंटीमीटर। पी से सबसे पहले एक्स पे कट करेंगे तो ये हमारा 5.1, और क्यू पे कट करेंगे तो एक्स और क्यू के बीच की लेंथ कितनी है, 2.9। तो ये हमारा पी क्यू आंसर भी वेरीफाइड हो गया। सेकंड दिया था, एक्स वाई सच दैट द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी, वेरीफाई बाय मेजरमेंट। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो 5.1 में से 2.9 माइनस करेंगे तो हमारा एक्स वाई कितना आएगा, 2.2। यहाँ पे फिर हम लाइन सेगमेंट लेके देखते हैं,
ये हमारा टोटल कितना 5 डेसिमल 1 सेंटीमीटर का लेंगे, इसमें से 2 डेसिमल 9 कट करेंगे तो हमारा कितना पार्ट बचेगा, इतना पार्ट बचेगा। अब यहाँ पार्ट जो हमारा बचा है इसको स्केल से हम मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 2 डेसिमल 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था, ए बी इज्क्वल टू 3 डेसिमल 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इज्क्वल टू 4 डेसिमल 8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट पी क्यू इज्क्वल टू 2AB - CD, वेरीफाई मेजरमेंट। अब यहाँ पे ए बी और सी डी की हमको लेंथ दी हुई थी, तो ए बी की सबसे पहले हमने बनाई 3 डेसिमल 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। सेकेंड में हमने सी डी का 4 डेसिमल 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। अब पी क्यू को हमको वेरीफाइड करना है, तो पी क्यू क्या है 2AB, मतलब 2 में 3 डेसिमल 6 सेंटीमीटर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 डेसिमल 2 सेंटीमीटर। इसमें से हम सी डी की लेंथ 4 डेसिमल 8 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 डेसिमल 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने ए बी ड्रॉ किया, फिर सी डी ड्रॉ किया। अब पी क्यू को जब हम बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या है हमारा, पी से एक्स तक हमने कितना लिया 3 डेसिमल 6 मल्टीप्लाई 2 है हमारा, और टोटल कितना है हमारा 7 डेसिमल 8, जहाँ पे हमारा क्यू वाई कितना है 4 डेसिमल 8। अब वेरीफाइड करने के लिए हमने इसको सॉल्व किया, पी क्यू इज्क्वल टू पी एक्स माइनस क्यू वाई, ये वेरीफाइड कर रहे हैं तो क्यू वाई की पी क्यू की लेंथ कितनी है 2 डेसिमल 4 सेंटीमीटर। 7 नंबर भी सेम ऐसे ही करना है जैसा हमने 6 नंबर का क्वेश्चन किया था। आई होप आप लोग इस 7 नंबर के क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14C और एक्सरसाइज 14D दोनों के सॉल्यूशन एक साथ देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।